अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मनाज जमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीना जमान। और आज बातें करेंगे हम, कुछ ना कुछ बातें करेंगे। तो देखिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो को और इन्जॉय कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, आपको हंसी आई सुनते करते हैं कुछ फनी बातें। जैसे कि कौवे बारात लेके पहुँचे चील के घर, चिड़िया चली गई अपने ससुराल, नाराज़ हो गए मैके चली गई ससुराल से, चिड़िया नाराज़ हो गई, कैसी फ़नी बात है। और बिल्लियों ने पकाई बिरयानी मिलके, मेंढक और चूहों की बिरयानी बिल्लियों ने बनाई और सब ने खाया। बिल्लियों ने पार्टी की अपनी, बिल्लियों ने पार्टी की, सारे बिल्ले और बिल्लियाँ मोहल्ले के मिल के इन्होंने बिरयानी बनाई, चूहों की बिरयानी, और खाई। और मेंढक होते हैं उनका स्विमिंग पूल है, बारिशों का पानी जो जौहड़ जम जाता है वो उनके लिए स्विमिंग पूल है, वो लोग स्विमिंग करते हैं रात को। अगर रात को आज मौका मिला, कल हम लोग बहुत थक गए थे, अगर रात को आज मौका मिला तो मैं उनकी मना से कहूँगी वीडियोज़ बनाएं और आप उसे शेयर करें। जो मेंढक टर्रार दे शोर कर रहे थे रात को, कितना लगता है राग मल्हार गाते टर 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 टर, तो वो मैं चाहती वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाएं। बड़ी अच्छी आवाज़ है, एक पता नहीं क्या उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा था, बहुत आ रही थी क्योंकि हम थक गए थे। हाँ, तो इसलिए हम नहीं बना सके वीडियो मेंढक को। तो वो मैं कहती हूँ उनका कॉन्सर्ट, मेंढक का कॉन्सर्ट, मेंढक को। हाँ, हम सही नहीं आती, हम इसे कहेंगे मेंढक्स, मेंढक्स, हमें भी नहीं उर्दू जाती है, मेंढक्स का कॉन्सर्ट दिखा दी आज इंशाल्लाह। फ्रॉक्स हमने मिला, कॉन्सर्ट मेंढक शेयर करेंगे। तो एक गा रहे थे, उनका म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, लेकिन इंसानों को तकलीफ होती है उनकी आवाज़ सुन के, लेकिन एक मजा की धुन था, एक रिदम था, क्या था, सुर था, ताल था, क्या था। वो लोग तबला बजा रहे थे, गिटार बजा रहे, सितार बजा रहे, हारमोनियम बजा रहे, सब कुछ बजा रहे मेंढक लोग, तो गा रहे थे। तो इंशाल्लाह अगर आज मौका मिला तो कल से हब सो रही है, हब सो रही है, मैं क्या बोली, कराचे में, कराचे में, कराची में हब सो रही है। और बताओ मेरा, और कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग एक जगह में वीडियो बनाते हैं, तो क्या करें, तो ये सरकारी घर है तो इसलिए हम एक ही जगह अपना स्टूडियो बना के रखा है, तो हम उसी में वीडियो बनाते हैं। और घर वाले आते नहीं फैमिली वाले वीडियो में, तो ये तो ब्लॉगर्स लोग जानते ही होंगे, यूट्यूबर जो भी आज में गलत अपना सेटअप बनाते हैं और वीडियोज बनाते हैं, स्टूडियो बनाते हैं, कुछ जगह पाबंदी होती है, नहीं बना सकते, हम नहीं बनाते, अलाउ नहीं होता, नहीं बनाते। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब बाजार जाते हुए भी हम कैमरे को अपनी तरफ रखते हैं, इस कदर टेंशन में वीडियो बनाते हैं, कब आती ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है, तो इसलिए हम वीडियो ज़्यादातर घर पे ही बनाते हैं और स्टूडियो में ही बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं। ये हर एक का सिचुएशन अलग होता है, हर यूट्यूबर का। और हम लोग अगर अपना ही कुछ दिखाते हैं, ऐसे नहीं दूसरों को निकल करके अपना आप बोलते हैं, दूसरों का इतना सर्वा संवार कर लेते हैं, तो बस अपना आप बोलते हैं। हम लोग जो एक जगह पाबंदी होती है तो इसलिए हम एक ही जगह बनाते हैं। ये अपना एक सेटअप बनाया ना उन्होंने, अपना हर जगह नहीं बना सकते, वीडियो के आगे स्टूडियो बनाया तो मनाज एजुकेशन खराब हो रहा है, एजुकेशन की वीडियोस बनाती हैं जिसमें मनाज, तो उस तरह सेटअप लगाया हुआ है, तो वो बनाती है फिर अपनी वीडियोस बनाती है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, अब कुछ लोग नहीं बनाते, कुछ मैनेज करना भी आप लोग को पता है, कुछ लोग वीडियोज़ नहीं बनाते तो इसलिए वो लोग भी नहीं आते, नहीं इसी तरह कुछ जगह ही ऐसी होती है कि वीडियो नहीं बना सकते तो इसलिए हम भी नहीं बनाते, अलाउ नहीं होता, नहीं बनाते। और लोग हमें ज़्यादा शौक करने का शौक़ भी नहीं, जिस तरह कुछ औरतों को बहुत शौक होता है अलमारी कपड़े जूते इस तरह की चीज़ें बहुत शो ऑफ करने के लिए दिखाती हैं, हम शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखाते, लेडीज़ लोगों को पसंद होता है तो इसलिए हम शो कर देते हैं, लेकिन हम तो वो भी ना दिखाएं, हमें शो ऑफ करने का शौक़ नहीं है। अरे भाई लोग फरमाइश करते हैं, ज़्यादा खवातीन होती है उनको, वैसे भी खवातीन को शॉपिंग करना बहुत, कौन सी खवातीन की जिनको शॉपिंग करना पसंद नहीं, हर एक को शॉपिंग करना पसंद है, और ज्वेलरी लेना और मेकअप का सामान लेना और जितना कॉस्मेटिक है वो सब यूज़ करते हैं, उनको शौक, और देखते हैं लोग खुशी खुशी लिपस्टिक्स देखते हैं, नेल पॉलिशेस देखते हैं, नेल पेंट कहते हैं आजकल, और जितना जो कुछ है खवातीन को पसंद है, किसने कौन से कपड़े पहने, ये कौन सा कपड़ा है, क्या कलर है, वो है फलां फलां फलां, तो ये लोग शौक से देखते हैं इसलिए वीडियोज़ बनाते हैं, वरना शो ऑफ करने क्या बात है। और ज़्यादातर लेडीज़ बनाती हैं, वो लोग भी कोई करती नहीं होगी, दिखाते हैं। बिक चुका है जो मोरवानी में था जिना टर्मिनल के सामने, बिल्कुल अगर वो होता तो हम आपको पूरा घर का टूर कराते, इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में हो तो इंशाल्लाह।
और ये चूटियाँ भी आ रही हैं, इसलिए इसको हम लोग कैरम बोर्ड के उड़ा रहे हैं चूटियों को। काले वाले झूठे भी ना, क्योंकि आजकल बारिश और बहुत ज़्यादा आ गई, निकल के आ गए हैं। इनमें मेल फीमेल सब होते हैं, लेकिन सब छूटा छूटा कहते हैं, लेकिन मेल भी होती फीमेल भी होती। ये लोग अपना खाना स्टोर करते क्या करते हैं बारिशों में, ये बारिशों में निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज क्या चूटियों पर डिस्कस कर रही हूँ मैं, और रात को जो बातें क्या कहते हैं परतेंगे हम उनको, कहते हैं चिलगोजे, उनका वही शेप होता है, वही डिज़ाइन, वही लाइट्स में आके क्यों मर जाते हैं ये मुझे बता। परवाने, परवाने जिसे कहा जाता है, और वो आ जाते हैं हम लोग, क्यों मर जाते हैं लाइट में आके, बारिश में मरते हैं लाइट्स में रोशनी। कल मेरा बहुत दिल चाहते लेकिन मैं इस कदर थके हुए थे कि वो बहुत अच्छा जिस पानी जमा हुआ था बारिश का वो दिखाना था, और ये बार बार आ रहा है, मैंने उसको काटेगा फिर ये इधर से इधर तंग कर रहे हैं। हम सेंटर गए थे, थक गए थे, क्योंकि हमें पढ़ना भी होता है पढ़ाना भी होता है, दोनों काम होता है, तो थक गए थे, देर से आए थे, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं, ये चूटा देखा। चलो और ये लोग काटते हैं, फोन निकाल देते हैं, काटते हैं, उसे चिपक जाते हैं, चल के आ रहे हैं में, और ये यूं करके अपने के वो दम के आ रहा है, और काटते हैं बहुत, तो बहुत मसला हो जाता है, बहुत शदीद किसी में जलन और दर्द भी होता है। फिर कभी इस चूटे हम बचपन में, वो हमें बिल्लियों की लड़ाई भी हुई, हमारे उसका मामूल भी है, तो हमें एनिमल्स बहुत तंग करते हैं। हम लोग छोड़ कर आ गए, फिर और बिल्लियाँ आ गई हमारे घर में, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, एक बिल्ली के तीन बच्चे मजीद आ गए, और एक छोटी जो मैंने बताया था बीमार थी सही हो गई है, उसको मैंने खिदमत खल्क किया, उसका वो सही हो गई है, सबने मिल के क्या सबने, अब ये छोटी बिल्लियाँ बड़ी हो गई, शादियाँ करेंगी, फिर इनके छः छः बच्चे आएंगे और बच्चे आ जाएंगे, अजाब बना दे हमारी लाइफ को। हम लोग छोड़ छोड़ के आ जाते, छोड़ छोड़ के आ जाते, हम नहीं पा, हमसे जो हो सकता है हम वो करते हैं, जो हमारे बस में होता है, जो हमारे बस में नहीं होता है तो हम वो नहीं करते। मैं तो कहती हूँ जिनके बस में है वो बिल्लियों के लिए काम कर दिया करें, हमारे बस में जो होता है हम कर देते हैं, हर इंसान कर सकता है थोड़ा बहुत। अमेरिका और यूरोप जो है कंट्री, वहाँ पे केयर करते हैं, उनकी बहुत अच्छी आदत है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लगती है कि वो लोग इंसानों का भी ख्याल रखते हैं और जानवरों का भी, यहाँ भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग कम लोग करते हैं, सब मिल के नहीं करते, तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर बिल्लियाँ कुत्ते सारे जानवर भूल जाते हैं। दीदी साहब ने बनाया था वो, उन्होंने अच्छा काम किया है बिल्लियों के लिए भी इंसानों के लिए भी, तो हम वहाँ बिल्लियों को वहाँ छोड़ कर देते हैं और पैसे भी दे देते हैं। शेल्टर होम बनाया हुआ है, उन्होंने अच्छा काम किया बिल्लियों, अगर सब लोग सोचेंगे बकरी पाकिस्तान में भी साहिब हैसियत लोग ये सोचें अपने अपने इलाकों में कोई शेल्टर होम खोल दें, इस तरह से शेल्टर होम्स बिल्लियों के लिए डॉग्स के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और सब मिलकर लोग डोनेशन देंगे, उनका खाने का अरेंज भी हो जाएगा, ये तो एक नेकी भी होगी, आपको सवाब मिले और खुशी भी मिली और जानवरों का भला भी जाएगा। जिस तरह से ये लोग घूमते रहते हैं ऐसे बीमार भी होते परेशान होते, वैक्सीनेशन का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, इस तरह से हो जाए कोई कि जानवरों को फ्री इस तरह हो जाए, मैं वैक्सीनेशन कैरम बोर्ड खेल रही है, हाँ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मेरे पैर में घुसे कि मुझे काटेगी फिर मैं क्या करूँगी, कैरम बोर्ड ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ और चूटियों को भी भगा रही हूँ, ये है सिलसिला। हाले सफाई की भी फिर पता कहाँ कहाँ से सुराखों में से कुछ कुछ का आ जाता है, बारिशों का सीजन है उसमें तो आती है, अब कितनी सफाई कर, काला वाला चूटा कितना ही सफाई कर ले आएगी। तो मैं ये कहती हूँ शेल्टर होम्स के लिए कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, सुपर प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हो तो इंशाल्लाह, मेरे पास अगर कभी पैसा हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी, है ना, इंसानों के लिए बनाएंगे और एनिमल्स के लिए। बिल्लियों के लिए बहुत अफसोस होता है, चल रुल टुल रही थी यहाँ से यहाँ गली में, लोग जूते को बाद वो जूते मार के भगा रहे होते हैं, अरे आप भगा दे पड़ता, लेकिन इसे जूता मारना जानवर जरूर करना बहुत गुनाह है, हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी को, वो लोग जॉब तो नहीं करते ना, खाना मांग के खाएंगे, नहीं मांगेंगे, तो फिर इस तरह करना पड़ता है, एक बार फिर एक बात तो बार बार लोग रिपीट फेंकते रहते हैं, बोलते रहते क्या करें, बोलना पड़ता है। और एक बात भी कहूँगी कि कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं, पर जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको आप धीमे लहजे में भी सॉल्व कर सकते हैं, चीख चीख के ऐसे करके नहीं समझाया जाता, इससे और लड़ाई बढ़ती है ना, तो बैठ के बात करें आराम से, जो मसला है उसको बयान कीजिए, उसको आराम से सॉल्व कीजिए, तू मैं ये ना मत कीजिएगा, इससे लड़ाई बढ़ती है। पहले एक बंदे को बोलने दे, एक पर्सन को बोलने दे, वो बोले अपनी बात, वो बोल ले, फिर सेकंड पर्सन बोले, फिर आप फिर थर्ड पर्सन को, इस तरह बारी बारी बोला करें, एक साथ शुरू हो जाते हैं उसे दिमाग पक जाता है, सर में दर्द हो जाता है, एक साथ सब और चीखते हैं लाउडली, इस कदर बोलते हैं कि बात समझ में नहीं आ रही, बस बात समझ में नहीं आ रही, बस चीखने टैं 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 चीखते रहते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें गधों की आवाज़ें निकल रही होती हैं माजर के साथ, तो गधों की आवाज़ के साथ चिल्लाते हैं, जो बात होती है ना वो समझ में नहीं आता, वो रह भी जाता है,
कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, वो कम ही रहता है, बीच में रह जाता है और अलग से आहिस्ता बोला करें और अच्छा बोले, अच्छे अल्फाज लव लाइटली बोले, लाइटली बोले, उसका चुनाव कर अच्छे अल्फाजों का, जो बातें करते हैं तो लफ्ज को चुनाव कर ले और सोच ले, देख ले कि हम क्या बोल रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज अजीब सी लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करें, लफ्ज़ों को चुना वर्ड्स वो देख लें जो सही सूटेबल है, कोई अच्छा मतलब किसी सही ढंग से बोलें, आप बहुत गलत तरीके से लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं, तू तुझे। और एक बात ये भी कहूँगी कि जो लोग अपने ही मुल्क में पसंद से शादी करना चाहते हैं वो शादी करने दिया करें, ताकि कोई आगे चल के वो गलत स्टेप ना उठा करें, जो लोग अपने ही मतलब मुल्क में अपने ही एरिया में पसंद करते हैं तो उनको शादी कर लेने दें, ताकि तमाशा ना हो। वो माँ बाप मसला बनाते हैं, लड़के लड़के यंग होते हैं बच्चे, करना चाह रहे हैं, मिले फैमिली आपस में करना है तो शादी बिला वजह में ऐसी, और जब वो लोग पसंद से शादी करते हैं तो उनकी ज़िंदगी अच्छी भी गुजरती है, तो वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, जब पसंद होती है ज़बरदस्ती शादी, हाँ नहीं जब ज़बरदस्ती शादी होती है तो फिर फसाद ही फैलता है वो सबके सामने, जानते हैं आप क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, तो मैं तो परेशान होती हूँ न्यूज़ देख देख के, मेरा तो दिमाग पक गया न्यूज़ सुन सुन के, मैं आजकल न्यूज़ सुन नहीं छोड़ती, मैंने अब दोबारा छोड़ दिया, टेंशन से एक दफ़ा सुन लिया था, दो एक हफ्ता मैंने न्यूज़ सुना यूट्यूब में, मतलब मेरा दिमाग पक गया, टेंशन हो जाती है बिला जब बस जी जी जी, उन दिन पर गुजर गए उनसे पूछो, उन दिन पर गुजर गए उनको वो अल्लाह ही बता जाते हैं उसके क्या गुजर रहे। तो हमारा बस ये कहने का मकसद है कि मतलब इंसान को तरीके से सही ढंग से बात करना चाहिए, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, ज़्यादा चीख चीख के बोलते रहेगा, अभी वीडियो में तेज़ बोलूँगी क्योंकि आवाज़ नहीं आती है ना, हम लोग को ये कहते हैं आप लोग की आवाज़ नहीं आती, आवाज़ बोलते ही आहिस्ता, हम लोग अब मैं कितना चीख, मैं ज़्यादा चीख भी नहीं पाऊँगी, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के कैसे मतलब तेज़ बोलूँ, मैंने आपको मैं तुम भी तेज़ बोलो ताकि वीडियो में आवाज़ आए, हम माइक भी लेके आए वो माइक भी नहीं लग रहा। हमारे कहने का मकसद ये था कि जैसे चीख चीख जो कहते हैं ना, जैसे गुफ्तगू अरे दो लोग तीन लोग चार लोग तो आराम से बोले, अगले का भी सुने और खुद भी अपनी पहले बात पूरी करें, दूसरों को भी मौका दें वो भी अपनी बात पूरी करें, आराम से बोले ताकि समझ में आए मसला सॉल्व हो, ऐसे तो मसला नहीं, मसले सॉल्व ही नहीं होते, बस चीख चीख के प्रॉब्लम ही खत्म होती रह जाती है, तो ये सब होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है कुछ, बस चीखने की आवाज़ें आ रही है, और घर में भी ऐसा बोला करो, तो कोशिश कीजिए धीमे लहजे में और आहिस्ता बात किया करें, जो प्रॉब्लम है मसला है उसको सॉल्व कीजिए, लड़ाई झगड़ा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाती है, फजूल बातों से गुरेज कीजिए, और जो पॉइंट वाली बात जो बात है वही करें, वो आराम से मिर्च मसाला लगा के फला फला हर वक्त का नहीं गोना, टेंशन फैलाना वो भी गुना, दूसरों को टेंशन देना, ईजा पहुँचाना, उसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स खेलना, वो भी गुना, वो चीज़ बुरी होती है, इससे अवॉइड करें, इसी में ज़्यादा पकड़ होगी, जो दूसरों के खिलाफ पॉलिटिक्स चाले चलते हैं खेलते हैं पॉलिटिक्स, इसी में अल्लाह ताला पकड़ेगा इंसानों, तो इसी बुराइयों को अवॉइड करें, ये गंदी बुराइयाँ सारी आपकी शख्सियत को तबाह करती है और आपकी इंसल्ट होती है, कोई इज्जत भी नहीं करता, कैरम बोर्ड भी खेल के साथ में झूठा आ रहा वहाँ से, तो चू से और लड़ाई झगड़ों से परहेज कीजिए, अगले बंदे के सर में दर्द रहता है, दूसरों का मजाक मत उड़ाइए बिना वजह, हां दूसरों के शक्ल का किसी को क्या पता, अबे जिसको पसंद है जिसने शादी के लिए कर ली वो कर ली, वैसे भी लोग आम दिनों मैंने देखा है सब जगह, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हर जगह मैंने देखा है, शक्ल का क्यों मजाक उड़ाते हैं, शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, काला हो गोरा हो पीला हो नीला हो जैसा भी हो अल्लाह ने बनाया, आप अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको जो पसंद आता है उसको वो शख्स अच्छा लगता है, उसकी शक्ल भी अच्छी लगती है, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है ना, तो किसी की शक्ल का, किसी के गुर्बत का, किसी के ड्रेस का, किसी की तालीम का, जो भी है ज़िंदगी में किसी का मजाक मत उड़ाएं, पहले आप अपने आप को देखिए, दूसरों को देखने की बजाय दूसरों का मजाक उड़ाने से भी अवॉइड करें, ये भी गुनाह है, इसमें भी पकड़ होगी, इसका क्या सिचुएशन है क्या हालात है, और आप लोग ऐसे कह देते हैं ये फलाने ऐसे और वीडियोस में भी बात होता है, हमारी नज़र में तो शक्ल काउंट नहीं करता, हम तो कहते हैं कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है,
काला गोरा से क्या होता है? जिसके पास जो चीज़ है, जो चीज़ अवेलेबल है, उसी में रह के, अब कहते हैं ना अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, पतला हो मोटा हो, जैसा भी अल्लाह ताला ने बनाया ना उस इंसान को, बात पूरी कर तो मजाक किसी का मत उड़ाए, ये भी गुनाह है। हाँ, आपका कोई मजाक उड़ाएगा आपका भी दिल दुखेगा ना, इसी तरह सोचें, दूसरे भी इंसान हैं, अगर आप उनका मजाक उड़ाएंगे उनका भी दिल दुखेगा, और आप अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने शक्ल बनाई ना, जिसकी शक्ल जैसी बनाई, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मसलियत होती है, तो इसलिए दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएं और बुरा मत कमाएं, किसी को डिग्रेड ना करें। जैसे मैंने आपसे चले शक्ल की बात की, जो भी बात की मैंने आपसे, और मैं कह रही थी हर इंसान अपने हैसियत के मुताबिक अपने चादर देख के पाँव फैलाएगा, और कोई लूट घसूट किसी छीन झपट के तो नहीं करेगा ना काम, अपने जो आपके पास है आप उसी अवेलेबल है, आप उसी में रह के उसी लिमिट में रह के वीडियोस बनाते हैं, उस तरह किसी को टोन करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग नहीं उड़ाते, लेकिन एक यूट्यूबर है जिसके हस्बैंड बंगाली हैं, उनकी वाइफ मेरे ख्याल से सिंधी है, वो मेरी वीडियो की छापा करती हैं, जो मैं बनाती हूँ छापती हैं, वही आइडिया पेश करती हैं, आइडिया चुराती हैं, तो मैं उनका मजाक उड़ाया, वरना मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती। तो वो ज़्यादा मुझे लगता है मैं इम्प्रेस की पहले वो इंडियन ब्लॉगर पूनम पू के नाम से है शायद, उनका नकल करती थी, उनकी कॉपी कर करके बनाती रही, फिर उन्होंने मुझे देखा तो मेरी कॉपी कर करके छापा करती, जैसे हमारी गलत है ना, दूसरों की कॉपी करके वीडियो नहीं बनाना चाहिए, सेम वैसे ही वीडियो बनाती, तो फिर मैंने उनका मजाक उड़ाया, वरना मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाती, मुझे ये काम पसंद नहीं किसी का मजाक उड़ाना, वो जो मैं बनाती हूँ वो छापा पेश कर देती, मैं बाल खोलूंगी, मैं नहा धो के वीडियो बनाती हूँ तो वो भी नहा धो के आ जाती है, मैंने लाइनर लगाया वो भी लाइनर लगा के आ गई, बाल शॉर्ट कर दिए, मेरी कॉपी क्यों करती है? ये भी होना चाहिए कि कोई यूट्यूबर दूसरा अगले यूट्यूबर का कॉपी ना करे, जिससे गाना और हमें स्ट्राइक लगता है, इनकी वीडियो में भी जो कॉपी करती हैं उनकी वीडियो में भी कॉपी करें, स्ट्राइक आना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए, जैसे म्यूजिक पे लगा देते तो ऐसा होना चाहिए, कोई होना चाहिए कानून, जो कॉपी करे फॉलो करे उसको भी स्ट्राइक होना चाहिए, और बिल्ली लड़ी हम फिर बिल्लियाँ लड़ती रहती है, बिल्ली लड़ती रहती है, इंसान भी ऐसी होकर लड़ाई झगड़ से अवॉइड करें, हमारे घर में बिल्लियों में लड़ाई चलती रहती है, वो तो जानवर है ना, अल्लाह ने तारी अलग अलग, मैं बात कर लूँ पहले, वो जानवर है वो लड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया, तो इंसानों को इंसान की तरह रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, जाहिल जानवरों की आदत होती है, अल्लाह ने कहा ना जानवर नहीं बनो, क्यों कहा है, क्यों कहा है कि जानवर नहीं बनो, गधों की आवाज़ ना निकालो, ये जो बिल्लियाँ होती है मुख्य इनकी अम्मी है, ये लोग आ गई हमारे घर में बिल्ला बच्चे में घुस जाती, तो हम लोग अपना घर रख लगता है जानवर है, हम लोग कर नहीं, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, वो बच्चे ले आए तो हमने रख लिया, तो राइस वाली ग्रह रहती है ये लोग, तो किस तरह हमारे घर में होता है, तो हमारी बिल्ली में आवाज़ भी आएगी, लेकिन ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, वो बाहर है गेट से बाहर, कमरे से बाहर है, गेट से बाहर कमरे से बाहर है, तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन लड़ते रहते, मुझे हम लोग को आ रही ना आवाज़, तो लड़ते रहते, वो वीडियो बना के परेशान करते इंसान, था ये बिल्ली की लड़ाई होती, तो आज हमारी वीडियो थी जी, मैंने कहा था मेंढक और अहमकाना हरकतों से भी गुरेज कीजिए, जो लोग अहमकाना हरकतें करते हैं वो अपने साथ ही बुरा कर लेते हैं, तो इसलिए अहमकाना हरकतों से भी गुरेज कीजिए, अपने आपको बचा के रखिए बुराइयों से, बस मैं ये कहूँगी, अब मैंने जो बोला मैं कह रही थी कि आज मौका मिले तो मेंढकों का कॉन्सर्ट दिखाएंगे, सही है, अगर टाइम मिला ना थके हों और एनर्जी हो आपके अंदर, तो हम सेट सेंटर जाते हैं, मेरे में दिल चाहता भी होता है, पढ़ाना भी होता है, तो थक जाते हैं, ज़ाहिर है रात हो जाती है, तो फिर दिल नहीं करता, फिर घर में काम भी होता है अपना, तो इसलिए हम नहीं बना सकते, अगर ना थके हों तो बना देंगे रात, मेंढक्स मैंने मेंढक को बोलना मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने कहा मेंढक्स, मेंढक्स का कॉन्सर्ट दिखाएंगे आज रात, तैयार रहिए इंशाल्लाह बनाएंगे, ये चुलबुल से मिलता है ना, हे भैया ओम भैया मैं चुलबुल का भाई बुलबुल मैंने जो बोलना बोलो मैं खामोश अब खामोशी का बैन करते हैं, क्योंकि लोग बोर होते हैं, तो ज़्यादा सुनना कोई पसंद नहीं करता है, तो हमारी वीडियो आज कितनी से हमें उम्मीद है आप और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें, हाँ हाँ दो लेकिन चलो वो इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे, वो तो कल दे दिया था ना हमने, बॉटनी में वो पढ़ते हैं पौधे और ट्रीज के बारे में, और जूलॉजी में जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, सही है ना, वो तो दे दिया था कल के वीडियो में,
फिर वो फिर और नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें इंफॉर्मेशन सही सही देंगे और मजे। ताकि हमारा भी भला हो जाए और हमें इजाजत अल्लाह ने दी। सारे इंसानों का सारे जानवरों का बहुत ख्याल रखें। ये इडली बनाता है खास कर मेरी इतना स्लिप हो जाती है थोड़े से तो वर्ड निकल जाते हैं कि उसके लिए माजरत। सब इंसानों का सब जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस मत भूलें। सब्सक्राइब मस्ट मस्ट अल्लाह हाफिज़ टेक केयर।